एवरीवन, मैं गुरमीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर सक्सेस में। HSSC की तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है, जो HSSC के द्वारा भी है, जो 6 भर्तियों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या कट ऑफ रही है, और उसमें जो कैटेगरियों की बात की जाए तो बहुत सारी वैकेंसियाँ जो वैकेंट रही हैं, जिसमें कैंडिडेट है जो नहीं मिल पाए। तो HSSC ITI इंस्ट्रक्टर की जो भर्तियाँ हैं कैटेगरी वाइज, तो उनके रिजल्ट हैं जो बड़ी मात्रा में आने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको डेली एक या दो कैटेगरियों का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आज एक ही साथ 6 भर्तियों का जो रिजल्ट है उसमें जारी किया गया है। जैसा कि चेयरमैन साहब के द्वारा पहले भी बयान दिया गया था अभी हाल ही में, तो जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं प्रोसेस में हैं, उनका सभी भर्तियों का रिजल्ट है जो 30 जून तक है जो जारी कर दिया जाएगा। तो भी इसके अब जिसकी भी कैटेगरियों का रिजल्ट है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, और बची हुई भर्तियां हैं जो उसका रिजल्ट आपको 30 जून तक है देखने को मिल जाएगा। चलो हम ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, जिन जिन भर्तियों का रिजल्ट आया है, कितने पर कट ऑफ रही है और कितनी है जो उसमें वैकेंट पोस्टें रही हैं। चलो हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने ऑफिशियल साइट से जो नोटिस डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर देख पाओगे एडवर्टाइज नंबर 12/2019 की जो 4 कैटेगरियाँ थी, 48, 49, 51 एंड 52, यहाँ पर आप देख पाओगे कैटेगरी नंबर 52 क्राफ्ट स्टेनोग्राफर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल 21 वैकेंसियाँ थी, जनरल की 12 वैकेंसियाँ थी, जिसमें 2 ही कैंडिडेट हैं जो मिल पाए हैं। तो इसकी कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो 42 पर रही है। कैटेगरी नंबर 48 में अगर बात की जाए तो देख पाओगे 12 पोस्ट थी, जनरल की 4, SC की 3, BCA की 2, BCBA की 3, EWS की 2, ESM जनरल 1, ESM SC 1, ESM BCA, ESM BCB 1 और 1 ESP SC और 1 पोस्ट थी VS कैंडिडेट। ये हैं जो सभी 12 की 12 पोस्टें हैं जो वैकेंट रह गई 48 कैटेगरी पर। और ऐसे ही कैटेगरी नंबर 49 में 2 वैकेंसियां थी, जो 2 पोस्ट थी जनरल की, 2 पोस्ट थी, 1 पोस्ट थी SC की, BC की 2, BCB की 1, 1 EWS, 3 पोस्ट ESM जनरल और 1 पोस्ट थी ESM BCA की, जो इसमें है जो वैकेंट रही है। यहाँ पर ऐसे ही कैटेगरी नंबर 51 की बात की जाए, 12 पोस्टें जनरल की, 4 SC की, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 12 और 4 16 3 19, बहुत काफ़ी मात्रा में जो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट नहीं मिल पाए। यहीं ऐसा ही हाल 52 नंबर कैटेगरी में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्राफ्ट स्टेनोग्राफर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, इस कैटेगरी में भी जो वैकेंसियाँ खाली रही है, यहाँ पर आप देख पाओगे 52 कैटेगरी, 51, 49 और 48, ये लगभग वैकेंट रही हैं वैकेंसियाँ। और यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए कैटेगरी वाइज की, तो ग्राफ स्टेनोग्राफर हिंदी इंस्ट्रक्टर थ्योरी, ग्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हिंदी प्रैक्टिकल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश थ्योरी और एक था प्रैक्टिकल, जो कि ये स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में है। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकली हुई थी 12/2019, जिसे ITI इंस्ट्रक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वैकेंसियाँ वैकेंट रही है, ओनली 2 कैंडिडेट मिले हैं, वो भी कैटेगरी नंबर 52 में, आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो ये कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो 42 पर कट ऑफ गई आउट ऑफ 100, और 26 आज ही की डेट का ये नोटिस है। तो बात कर लेते हैं 2 और कैटेगरियाँ हैं जिसका रिजल्ट आया उस पर चलते हैं। अभी यहाँ पर देख पाओगे एक है कैटेगरी नंबर 34, यहाँ पर देख पाओगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी 1, इसमें टोटल 6 वैकेंसियाँ थी, 3 जनरल की, यहाँ पर देख सकते हो आप 58 पर कट ऑफ गई है, और वेटिंग लिस्ट की बात की जाए 47 पर है जो इसकी वेटिंग लिस्ट रही है। BCA की 1 वैकेंसी थी 55 पर, और जो वेटिंग लिस्ट है वो 35 पर गई है। EWS की 1 पोस्ट 56 पर कट ऑफ, और वेटिंग लिस्ट है जो इसकी 38 पर गई है। और यहाँ पर देख पाओगे 1 पोस्ट SC कैटेगरी रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल। तो कैटेगरी नंबर 34 में भी जो है 1 पोस्ट वैकेंट रह गई है। और एक और है कैटेगरी, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, और ये आ गई कैटेगरी नंबर 53। तो इसमें 2 वैकेंसियाँ थी जनरल की, एक यहाँ पर देख सकते हो 37.50 पर इसकी कट ऑफ गई है, और जो वेटिंग लिस्ट है वो 28 पर गई है। BCA की 1 वैकेंसी थी जिसके लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाए, 1 वैकेंसी है जो इसमें खाली रह गई है। आप टोटल देख पाओगे मतलब नियर बाय 50 से ऊपर वैकेंसी आती है, जिसमें नियर बाय 8 से 10 कैंडिडेट मुश्किल से मिले हैं। नियर बाय 40 जो वैकेंट पोस्टें हैं रह गई है। इनमें कैटेगरियों में स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है अलग से, तो इसके लिए कैंडिडेट वैसे करते भी कम हैं, इसकी अलग से जो ITI की होती हैं मैकेनिक्स ट्रेड वगैरह। तो इसकी जो बहुत सारी मात्रा में जो वैकेंसियाँ खाली रह गई है, और जो ये PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है तो मैं शेयर कर लेता
करता रहता हूँ। और आपकी कोई इंक्वायरी किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर है जो पर्सनली मैसेज करके आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।